हाय गाइस, व्हाट्स अप देयर। सो दिस इज रौनक फ्रॉम आईटी डेली, और आज हम लोग बात करने वाले हैं मीसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो ये जीओसी के अंडर का एक और टॉपिक है, तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मीसोमेरिक इफेक्ट के बारे में तुमको बताता हूँ। तो ये दो टाइप का होता है बेसिकली, एक होता है प्लस एम, एक होता है माइनस एम। तुम कह रहे हो कि क्या है, रुको मैं सब बताता हूँ। सबसे पहले समझना है कि मीसोमेरिक इफेक्ट क्या कहते हैं, होता क्या है। तो इसको हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है जरा पढ़ते हैं आइए। इट इज द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन कंपाउंड प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन ग्रुप्स अटैच्ड विद द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब भाई तुम समझ नहीं पा रहे होगे, ठीक है। तो कहीं पर भी तुम्हें रेजोनेंस दिखे ना, तो समझ जाना वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलना या फिर इलेक्ट्रॉन को खींचना अगर कोई सिस्टम कॉन्जुगेशन में है। अगर इलेक्ट्रॉन को ढकेलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्लस एम इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं माइनस एम इफेक्ट। अब मैं इसमें आपको एग्जांपल्स कुछ देने वाला हूं, तो बहुत ही गौर से देखिएगा। नंबर वन, पहला एग्जांपल है, देखिए कॉन्जुगेशन क्या होता है। सबसे पहले आपने ये समझना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्जुगेशन बेसिकली ये होता है कि अगर डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड लोन पेयर, या डबल बॉन्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर या फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, अगर ये सब ऑल्टरनेट पोजिशन पे होते हैं तो ही रेजोनेंस होता है, तो ही कॉन्जुगेशन होता है। तो सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट उसमें लगेगा जहां पर ये सिस्टम पाया जाए, यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे, या तो डबल बॉन्ड हो, या तो ये हो, या तो ये हो, यानी ये सब चीज़ें हो। तो इसके पहले एग्जांपल में आते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे है। तो क्या ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे है? हाँ, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा होगा। अब मेसोमेरिक इफेक्ट तुमने याद करना है कि कार्बन की वजह से ढकेलता है, और कोई अगर डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो खींचता है। अब इसमें क्या है कि कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा, ये ग्रुप पूरा इलेक्ट्रॉन इस पर ढकेल रहा है, तो ये डबल बॉन्ड जो है बेसिकली टूट रहा है, और जहां पर एरो गिरता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जिधर से गिरता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये रेजोनेंस होके बेसिकली ये बन जाएगा, ठीक है। आगे वाले टाइप टू में जाते हैं। अब डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, यानी यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो हम लोग डबल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो तोड़ेंगे तो क्या होगा? तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ दिया कि ये टूटा, नेगेटिव चार्ज आया और यहां पर पॉजिटिव, और ऑलरेडी यहां पर पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना लेता है, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। समझे ना आप? मैं फिर से बता रहा हूं तुम लोग को, तो फिर से एक बार देख लीजिए कि डबल बॉन्ड है बेसिकली, वो टूटेगा, यहां पर आया नेगेटिव चार्ज, जहां से गया वो पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक डबल बॉन्ड बन गए, और ये पूरा कंपाउंड बन गया। कितना आसान है यार रेजोनेंस करना, बस तुमने बॉन्ड्स के साथ खेलना है, ठीक है। अब तुम टाइप थ्री याद रखो कि कभी भी लोन पेयर हो वो इलेक्ट्रॉन को ढकेलते हैं, यानी लोन पेयर से फोर्स आएगी। तो जैसे कि ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH और लोन पेयर, पहली बात तो ये दोनों ऑल्टरनेट पोजिशन पे है ना, तो यानी रेजोनेंस हो रहा है। अब लोन पेयर की वजह से ढकेला जाएगा, यानी एरो कुछ ऐसे टूटेगा, टूटा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ एरो गिरता है वो नेगेटिव, ठीक है। और अब पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज को एक लोन पेयर अपना लोन पेयर दे देता है, और वो न्यूट्रल हो जाता है, और पॉजिटिव Cl पे आ जाता है, और CH2 पे तो नेगेटिव था ही। समझ रहे हैं ना आप? मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ आप लोग को कि आसान सा है कि इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये डबल बॉन्ड टूटा, ये आया नेगेटिव चार्ज, ये आया पॉजिटिव चार्ज, और ये लोन पेयर इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है तो ये पूरा कंपाउंड बन जाता है। तो तीन टाइप होते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि फिर से बता दे रहा हूँ कि देखिए डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज ऑल्टरनेट पे, डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड लोन पे, डबल बॉन्ड ये या ये तो चार्ज, या ये अगर ये सब ऑल्टरनेट पोजिशन पे है तो ही रेजोनेंस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स तुमको बताना भूल गया, तो फिर से एग्जाम्पल देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये है, क्या ये दोनों ऑल्टरनेट पोजिशन पे है? यस, है ना, ऑल्टरनेट पोजिशन पे। इसका मतलब कोई भी एक तुम तोड़ दो, और तोड़ो कैसे, कोई भी, मान लो ये गया नेगेटिव, ये गया,
हाँ तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में मैं बता रहा था कि ये जो है सिस्टम और ये जो सिस्टम है ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे है ना। अब क्या होगा कि कोई भी एक आप तोड़ दीजिए, तो मैं आपको ज़रा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको तोड़ा, कोई भी एक को तोड़ दो, उस डजेंट मैटर। तो यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, फिर इसको भी तोड़ दो, ठीक है। यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे ना। अब क्या होगा कि ये रेजोनेंस करके क्या होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक डबल बॉन्ड बना लेगा, जो कि ये बन गया, ये पॉजिटिव यही रह जाएगा, ठीक है। और इस नेगेटिव को एक हाइड्रोजन चला जाएगा जो कि न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये पूरा कुछ ऐसा सीन था, तो ये आपने समझना था, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये हो गया, इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये बॉन्ड ऐसे गिरा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये दो बन के मिलके एक बॉन्ड बन गया, जो कि ये बन गया, और पॉजिटिव वहीं रह गया, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया। अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये टूटेगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पर नेगेटिव आ जाए, यानी कि ये हम लोग को ऐसे तोड़ना है कि ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बन गया, और ये तो ये तुम याद कर लेना कि इनका रेजोनेंस कैसा होता है, ठीक है। मतलब ये तरीका है याद करने का, इसका रेजोनेंस ऐसे होता है, इसका रेजोनेंस ऐसे होता है, इसका रेजोनेंस ऐसे होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें कि रेजोनेंस इफेक्ट के टाइप क्या होते हैं। तो दो टाइप के रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस एम, एक होता है माइनस एम, ठीक है। प्लस एम क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को धकेले, तो इलेक्ट्रॉन को धकेलना वाला जो होता है इफेक्ट, उसे कहते हैं प्लस एम। इसका ऑर्डर याद कर लेते हैं, ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिनके पास लोन पेयर है वो प्लस एम जनरली शो करते हैं, और उसमें बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो फॉलो करते हैं, और घटते में जैसे कि NH2 का पास लोन पेयर है तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फिर फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। और ये याद रख लेना, ये पूरा ऑर्डर जरूर याद रख लेना, बिना ऑर्डर के आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लस एम इफेक्ट का ये ऑर्डर है, याद रख लेना। एक चीज़ और तुमने नोट करनी कि NH2OH में प्लस एम इफेक्ट भी होता है, और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था माइनस आई इफेक्ट भी होता है, बट प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई इफेक्ट। जबकि ये वाला जो पार्ट है इसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू प्लस एम। इसका आपको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को। तो बेसिकली एग्जाम्पल पहला है कि ये जैसे कि एक बेंजीन रिंग है जिसपे OH लगा, यानी कि फिनॉल है। तो फिनॉल में क्या है, O के पास लोन पेयर है, लोन पेयर वाला क्या होता है प्लस एम शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड टूटेगा तो टूटा, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आया पॉजिटिव, ठीक है। तो वही है कि और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ नेगेटिव है। अब इसको तोड़ दो, इस वाले डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पर आया नेगेटिव, यहाँ पर आया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर आया नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक डबल बॉन्ड ये बन गया। अब इसको तोड़ दो भाई साहब, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये, तो ये तुम कर लेना एक बार, इसका होमवर्क करना, अच्छे से हो जाएगा तुमसे। अब हम लोग बात करते हैं माइनस एम या फिर माइनस आर इफेक्ट के बारे में। तो वेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस टूवर्ड्स एन हेट्रो एटम, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचना वाला जो इफेक्ट है वो होता है माइनस एम माइनस आर इफेक्ट। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली जिनके पास डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला ग्रुप लगा होता है ना, ये माइनस एम फॉलो करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, यानी कि ये ऐसे कुछ करके एरो टूटेगा, समझ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर याद कर लीजिएगा कि NO2, फिर C डबल बॉन्ड है, SO3, HCOH, ये पूरा ऑर्डर है, याद कर लेना। अब मैं इसको आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ग्रीन, या तो एग्जाम्पल इसकी NO2, बेंजीन के ऊपर NO2। NO2 क्या है, माइनस एम वाला ग्रुप, माइनस एम क्या करता है खींचता है, तो वही ये खींचा, ये इस पे नेगेटिव आया, इधर पॉजिटिव हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटेगा, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये बन के एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये देखिए।
हाँ तो देख सकते हैं इसके बाद स्ट्रक्चर ये बनता है, उसके बाद स्ट्रक्चर ये बनता है, फिर ये बनता है। कैसे बनता है? बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड होने अपना इलेक्ट्रॉन खींचा, तो खींचने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आया जो कि ये हो गया, एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया जो कि ये हो गया, और ये कुछ यहाँ से ऐसे तोड़ेगा अपने आप को डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर आएगा बेसिकली पॉजिटिव, और एक यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव था तो ये न्यूट्रल बन जाएगा जो कि है, ठीक है। अब बस आपने कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इन दोनों को जोड़ के एक डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पॉजिटिव रह गया, फिर ये तोड़ दो, नेगेटिव पॉजिटिव इन दोनों के बीच मिलके एक डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो बेसिकली तरीका है, एक कोई बुक ले लेना जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोलोमन फ्राइल्स, उसमें बहुत अच्छे से तुमको थ्योरी में दिया गया, उस थ्योरी को पढ़ना, सॉल्व करना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे आते हैं, अब मैं तुमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, एक ऑर्डर। वो ऑर्डर क्या है कि प्लस एम ग्रेटर देन प्लस आई ग्रेटर देन माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई। अब ये ऑर्डर क्या होता है, रुको देखो, ये ऑर्डर होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन एंड बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि प्लस एम जो है वो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कार्बो कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सॉरी गलत लिखा है मैंने, और कार्बो कैटायन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, कार्बो कैटायन स्टेबिलिटी के, तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है बेसिकली, ये याद कर लेना, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ बेसिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो ज़्यादा होकर होगा है प्लस एम इफेक्ट, तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, है ना, मगर एसिडिटी फिर कम हो जाएगी, समझ रहे, क्योंकि बेसिसिटी और एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन एनायन स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बो कटायन के डायरेक्टली है तो कार्बन एनायन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये है क्या, मैं बताता हूँ इससे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो एक है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, तुमने बताना है कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या, बेसिकली हम लोग को ऑर्डर पता है, ऑर्डर ये है कि बेसिकली सबसे पहले तो मैंने बताया कि बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होता है फॉर्मूला, प्लस एम या प्लस आर ग्रेटर देन प्लस आई ग्रेटर देन माइनस आई ग्रेटर देन माइनस आर, ठीक है। तो यानी जिसका पास प्लस एम होगा या प्लस आर होगा उसके बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगी, यानी एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगी, तो जिसके पास माइनस वाला ग्रुप है उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। सबसे पावरफुल माइनस एम वाला कौन सा ग्रुप है, ये, तो ये नंबर वन होगा। तो देखो वही लिखा है टू ग्रेटर देन थ्री, ये देखो ये बेसिकली प्लस एम शो करता है बट इसका माइनस आई ज़्यादा डोमिनेंट होता है ना, इसलिए तो हम लोग उसका माइनस आई कंसिडर करेंगे, तो माइनस आई नंबर टू पोजिशन पे है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया न्यूट्रल वाला, फिर ये आते हैं बेसिकली, ये हो गया प्लस आई और ये हो गया लोन पेयर है तो प्लस एम, तो ये होगा फिर फोर्थ पे और लास्ट पे होगा ये वाला, क्योंकि प्लस एम उसकी सबसे कम एसिडिटी, ठीक है, और माइनस आर उसकी सबसे ज़्यादा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन कैसे देखें। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर क्या था कि प्लस एम ग्रेटर देन प्लस आई ग्रेटर देन न्यूट्रल ग्रेटर देन माइनस आई ग्रेटर देन माइनस एम। अब इसी को देखते हुए और एक चीज़ और है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन में जिसके पास अल्फा है ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये सबसे पहला है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि तीन CH3 क्या होता है, प्लस आई होता है, ठीक है, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट प्लस आई मान लो, तो ये प्लस आई देगा, ठीक है, तो प्लस आई देगा तो धकेलेगा इलेक्ट्रॉन को, ये तीन तीन यहाँ पर प्लस आई दे रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये जो है भाई ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ 6 हैं, यहाँ पर कितने, 3 हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये होगा, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल, या जिसके पास ज़्यादा प्लस एम और प्लस आई वाला ग्रुप वो ज़्यादा स्टेबल। अब इसमें देखते हैं बेसिकली, इसमें दो ग्रुप हैं प्लस आई के, इसमें एक ग्रुप है, इसमें तो ये होगा ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें बेसिकली प्लस आई का दो कार्बन वाले ग्रुप हैं, इसमें एक कार्बन वाला है, इसमें जीरो, तो इसमें ऑर्डर ये होगा, ठीक है, जिसके पास प्लस आई ज़्यादा उसके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन ज़्यादा। अब बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है, तो ये
अच्छा सा सवाल है कि बेसिक स्ट्रेंथ इसमें तुमने बताना है। तो इसमें देखो बेसिकली क्या करना है कि NH2 के पास लोन पेयर होता है, सबको पता है लोन पेयर है, ठीक है। CHO डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, OH हो गया। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या था, प्लस आर ग्रेटर देन प्लस आई ग्रेटर देन माइनस आई ग्रेटर देन माइनस एम या माइनस आर, और यहाँ पर बीच में न्यूट्रल होता था जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। तो प्लस आर वाला कौन सा है, प्लस आर वाला ये है एक और ये है। एक चीज़ याद रखना कि मेटा पोजिशन, ये पोजिशन होती ऑर्थो, ये होती पैरा, मेटा और ये होती पैरा। तो यानी इस पोजिशन पे विद रिस्पेक्ट टू सेम ग्रुप प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट नहीं लगता, सिर्फ आई इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो ये कौन सा दे रहा है तुम्हारा, ये दे रहा है प्लस एम, और इसके पास प्लस प्लस एम और माइनस आई, ठीक है। ये क्या दे रहा है, प्लस एम और माइनस आई, प्लस एम नहीं दे रहा है सॉरी, क्योंकि मेटा पोजिशन पे है ना। तो ये तुम्हारा दे रहा है सिर्फ और सिर्फ माइनस आई। ये क्या दे रहा है, ये तो है माइनस एम ग्रुप और ये न्यूट्रल। तो ऑर्डर क्या होगा भाई, प्लस एम सबसे ऊपर, तो यानी नंबर वन सबसे पहले बेसिक कैरेक्टर में। उसके बाद तुम्हारा ऑर्डर क्या होगा, फिर होगा तुम्हारा न्यूट्रल, ठीक है। तो यानी ग्रेटर देन न्यूट्रल यानी कि फोर्थ वन बेसिक स्ट्रेंथ है। फिर क्या होगा इन दोनों में, बेसिकली ये माइनस आई दे रहा है, ये माइनस एम, माइनस एम ज़्यादा पावरफुल होता है, तो बेसिकली माइनस आई पहले आता है, तो फिर होगा नंबर सेकंड और सबसे थर्ड वाला होगा लास्ट में। तो ये ऑर्डर है, याद रख लियो, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ज़रूर से। और नेक्स्ट वीडियो में वील बी टॉकिंग अबाउट हाइपर कंजुगेशन एंड कंप्लीट GOC। ओके, टिल देन शब्बा खैर, खुश आमदीन, गुड बाय, बाय बाय।